धनबाद रेल पुलिस बल धनबाद के अधिकारियों के द्वारा सोमवार को सुबह लगभग 10 बजे रेलवे स्टेशन रोड में दुकान लगाने वाले ठेला लगाने वाले लोगों को कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया और उन्हें रेलवे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। विगत कई सालों से दुकानदार अपनी दुकान रेलवे स्टेशन रोड में लगाते आ रहे हैं, जिनमें फूल के दुकान, लिट्टी का दुकान, चाय का दुकान आदि है, जिनके कारण स्टेशन रोड में जाम की स्थिति रहती है। रेलवे पुलिस बल के द्वारा कई बार इसके लिए कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण किया गया, बावजूद इसके यहां दुकान लगाई जाती है। वहीं विगत समय में इसके लिए रेलवे पुलिस बल के द्वारा जुर्माना भी वसूला जा चुका है, फिर भी दुकानदार वहां दुकान लगाते आ रहे हैं। वहीं दुकानदारों के द्वारा आज किए गए कार्यवाही के बदले जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तार किए गए 5 दुकानदारों को छोड़ने की मांग की। वहीं दुकानदारों को न छोड़ने पर सभी दुकानदार खुद को पुलिस के हवाले कर रेल पुलिस बल धनबाद के खिलाफ विरोध करेंगे। दुकानदारों की तरफ से बात रखते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि विगत 12 सितंबर को हमने भूख हड़ताल कर इसके लिए विरोध किया था कि एनएच की जमीन पर रेलवे का अधिकार नहीं है, बावजूद इसके रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा हम गरीबों को परेशान करने का काम किया जाता है। वहीं ना के द्वारा इन सबको लेकर एक चिट्ठी डीआरएम, एसपी और उपायुक्त महोदय को दिया गया है, लेकिन सोमवार को रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा 5 दुकानदारों को हिरासत में लेकर उनसे फाइन वसूला जा रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं उन्होंने मांग किया कि एनएच अधिकारियों से डीआरएम महोदय बात करें और जरूरत पड़ने पर नापी भी करवाए, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि जिस जमीन पर हम दुकान लगा रहे हैं वो रेलवे की है या एनएच की। वहीं यदि आज सही कार्रवाई नहीं की जाती है तो विगत समय की तरह इस समय भी हमारे द्वारा खुद की गिरफ्तारी रेलवे सुरक्षा बल को दी जाएगी। आज ये हुआ कि आज 13 तारीख को 12 तारीख के हम लोग फंक्शन किए, जिसमें राज भाई ये कन्विंस किए थे कि भाई अब आप लोग के नहीं पकड़ा जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि अभी तत्काल 4 आदमी, 5-2 आदमी पकड़ाया है। इसी लेके हम लोग आपके बाहर हैं कि भैया जब ऊपर स्तर में बात चल रही है, जब एनएच की जमीन है, मैं कागज़ देने के लिए तैयार हूँ। वो कागज़ को ऊँचे अधिकारी, निचले अधिकारी सारी कागज़ के पढ़ लें। पूर्व में एनएच वाले 5-10-15 को उन्होंने लेटर भेजा था डीआरएम साहब के पास, एसएसपी के पास, डीसी साहब के पास, असिस्टेंट इंजीनियर के पास कि ये कागज आप घेराबंदी जो दीवार तत्काल वो दिया हुआ है वो दीवार नहीं दीजिए, ये जमीन हमारी है, आपकी जमीन ये नहीं है। अभी तत्काल अगर रेल के बगल में हमारी जमीन रहेगा तो बाउंड्री रेल के रहते हुए वो भी कहेंगे कि जमीन हमारी है। यही तो तमाशा है। आज क्या हुआ? आज यही हुआ कि 4 आदमी जो पकड़ाए हम उनको छोड़ दिया जाए, बोलिए उनको छोड़ दिया जाए, फाइन नहीं किया जाए। और एनएच वाले डीसी साहब, डीआरएम साहब ऊंचे स्तर पर बात करें कि हम लोग के गरीब जाए तो कहाँ जाए। जब 2 दिन पहले एसडीएम, सीओ और धनबाद विधायक भी आए थे, आश्वासन भी दिया था, फिर भी इसके बाद भी 2 दिन बाद आपको ठेला से हटाया जा रहा है। यहाँ पे सताया इसलिए जा रहा है कि गरीब तो है, गरीब तो कीड़ा मकोड़ा है, गरीब तो अमीर, अमीर के पास सब कानून है। क्या आज किन दुकानदारों को पकड़ा गया है? नाम क्या क्या है बाबू, उन लोग का नाम बताओ तो। कौन दुकानदारों को ठेला जो लगा है? नहीं, ठेला वाले को भी, फूल वाले को, फूल वाले को 4-5 लोगों को पकड़ा। क्या डीआरएम से बातचीत नहीं हुआ क्या? जो डीआरएम साहब से नहीं, राज भाई बात किए हैं डीसी साहब से जी, और डीसी साहब अब किन से बात किए हैं वो तो डीसी साहब ही बताएंगे। कि मैंने पहले आप लोगों को बोला गया था यहाँ से हटाने के लिए? पहले बोला गया, उसी पर तो माने 1500-1500 रुपया फाइन हुई। फाइन जो पकड़ा गया है, पकड़ने से पहले खबर था कि आप लोग हटा लीजिए? कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं, या भी सूचना देना है, लेटर देना है कि कल हमें रजिस्ट्रिंग करेंगे। हर जगह का यही नियम रूल रेगुलेशन है, अटेंडम जाके रजिस्ट्रिंग कर लेना, ये तो कानून का माने उल्लंघन है। क्या क्या मांगने आए? यहाँ मांग आए कि हम लोग के नहीं पकड़े, एनएच का जमीन है, आप लोग किस हैसियत से पकड़ते हैं, नापी कराइए रेलवे वर्सेस एनएच या डीसी साहब, उस पर डिपोजिट करें सीओ साहब के। और उस दिन सीओ साहब फंक्शन में आए थे तो ये बोली कि जमीन हमारी है।
माने हम लोग का अगर यहाँ मांग नहीं माना जाएगा तो नाम नहीं माना जाएगा तो जो पहले करते आए हैं सो आज भी करने के लिए तैयार है। आप लोग तो अभी गिरफ्तारी देने यहाँ पर? हाँ, टोटल आज गिरफ्तारी दीजिएगा। हाँ, एकदम गिरफ्तारी। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है।